अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ीशान और आप देख रहे हैं सराउंडिंग पार्क। दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बग़ैर आज के किस्से को शुरू करते हैं। ये किस्सा पाकिस्तान के शहर मानसरा के एक छोटे से गांव का है। दोस्तों, गांव के लोगों के लिए सहूलत के तौर पर एक बस मौजूद थी जो रोज़ाना सुबह 7 बजे गांव से रवाना होती थी शहर के लिए और वापस शाम को 4-5 बजे गांव पहुंच जाती थी। उस बस में एक कंडक्टर भी हुआ करता था। किस्सा कुछ ऐसे है कि एक दिन जब रूटीन के मुताबिक बस रवाना हुई, शहर गई, शहर में फिर उसका एक रूट होता था जो मुकम्मल करने के बाद वो शाम को वापस आती थी मुसाफिरों को लेकर। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि बस में कोई फ़नी ख़राबी की वजह से देर हो गई। देर ऐसी हुई कि तारीखी हो गई और अंधेरा हो गया। जैसे कि आप में से कई लोग नहीं जानते कि मानसरा एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ दिन में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, एक मुनफरद सा मंज़र पेश करते हैं, लेकिन वही पहाड़ वीरानी की वजह से रात को अंधेरे में एक खौफ का मंज़र पेश करते हैं। उस दिन शायद वो वाक़या पेश होना था या ऐसा मंज़र देखना था, तो इसी वजह से उस बस में भी कोई फ़नी ख़राबी हुई। दोस्तों, उस दिन बस रात को 8 बजे वापस आई। कंडक्टर का ये काम होता था कि ड्राइवर चला जाता था और कंडक्टर बस की सारी खिड़कियां, सब दरवाज़े बंद कर कर घर को वापस जाया करता था। अपनी रूटीन के मुताबिक उस दिन भी उसने ऐसा ही किया। उसने बस की सारी खिड़कियां, दरवाज़े बंद किए और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। दोस्तों, जैसे ही वो अपने घर की तरफ जा रहा था, रास्ते में उसको एक दरख्त नज़र आया जिसके पास से वो गुज़र गया। लेकिन थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद उसको ये महसूस हुआ कि यहाँ पर तो कभी दरख्त था ही नहीं। उसके दिल में एक तजस्सुस था कि ये क्या चीज़ है। वो वापस मुड़ा देखने के लिए कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों, जब वो वहाँ पहुँचा, उसने उसको देखना शुरू किया। ज़मीन से लेकर जब वो देखता गया, बिल्कुल आसमान तक उसकी नज़र ऊपर गई। और जब उसकी नज़र बिल्कुल आसमान पर थी, तो आसमान से दो बड़ी बड़ी आँखें नीचे ज़मीन की तरफ उसको घूर रही थीं। जैसे ही उसने ये मंज़र देखा, उसने वहाँ से भागना शुरू किया। घर उसका दूर था, इसलिए वो दोबारा वापस बस की तरफ भागा। इतना खौफ था कि उसको कुछ समझ नहीं आया। उसने बस को खोला, बस में गया और वहाँ जाकर ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। हॉर्न सुनने के बाद गांव के तमाम लोग वहाँ पर जो नज़दीक थे, वो सब वहाँ पहुँच गए कि ये क्या मामला है। जब वहाँ पहुँचे तो दोस्तों, वो कंडक्टर बेहोश पड़ा हुआ था। जब सुबह उठा, उसने ये सारा किस्सा गाँव वालों को सुनाया, लेकिन यकीनन आप समझ सकते हैं कि गांव वालों ने इस पर यकीन नहीं किया। फिर जब कुछ अरसे के बाद गांव के कुछ लोगों ने भी ये मंज़र देखा, तो तब सबको यकीन हुआ कि वो कंडक्टर सही कह रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ये कितना खौफनाक मंज़र होगा कि जब आप आसमान की तरफ देखें और दो बड़ी बड़ी आँखें आपको ज़मीन की तरफ घूर रही हों, तो आपकी क्या हालत होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का किस्सा पसंद आया होगा। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।